लष्कर येथील पालिकेच्या उर्दू शाळेत शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शनाचं उद्घाटन माजी महापौर ॲडव्होकेट यू एन बेरिया यांच्या हस्ते करण्यात आलं. मंडपाच्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण देण्याचे कार्य शिक्षक वर्ग करीत आहे. शिक्षक मंडळीतर्फे वेगवेगळ्या शैक्षणिक शासनाच्या योजना राबवल्या जातात. शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शनामुळं मुलांच्या अंगातील वैज्ञानिक गुणांना प्रोत्साहन मिळते. अशा कार्यामुळं भावी काळात वैज्ञानिक निर्माण होतील असे प्रतिपादन माजी महापौर यू एन बेरिया यांनी मनपा कॅम्प लष्कर येथे आयोजित मनपा उर्दू माध्यमाच्या शाळेतर्फे शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी अध्यक्षस्थानी केले. कार्यक्रमास एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि अगले 5 साल के बाद यहाँ पे एडमिशन लिटिल फ्लावर और सेंट जोसेफ की तरह लाइन लग के होना है और मैं कोशिश में करने वाला हूँ. आज मैं मुंडे सर के स्कूल में गया था. आज वहाँ पे 2-3 क्लासेस का मुआयना मैंने किया. मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डिजिटल वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं और टैब पे जो है बच्चों को पढ़ाने का काम हो रहा है. तो आज के ज़माने में जहाँ हम 21वीं सदी में जा रहे हैं वहाँ पे उस दौर का एजुकेशन बच्चों को जरूरी है. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रशासन अधिकारी कादर शेख मार्गदर्शन करताना म्हणाले, मुलांना समजेल असे विज्ञानाचे मॉडेल तयार करा. शैक्षणिक क्षेत्रात आज मुलांची प्रगती झपाट्याने होत आहे. साहित्य प्रदर्शनात टाकाऊ वस्तू पासून साहित्य निर्मिती मुलांना करताना वेगवेगळ्या वस्तू हाताळायला मिळतात. आपल्याला माहीत नसलेले प्रयोग अशा प्रदर्शनामुळे पाहावयास मिळतात. पालकांना देखील या उपक्रमात सहभागी करून घ्या. जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 तारीख को जो नेशनल साइंस डे है उसमें हम हर स्कूल में ऐसा साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं. उसमें हम अपने पेरेंट्स को भी बुलाए, उनको भी बताए कि कॉर्पोरेशन के स्कूल में क्या क्या चल रहा है. इंग्लिश एक्टिविटी जो है चल रही है, मिशन स्कॉलरशिप में हमने किस तरह से काम किया है. पिछले 5 सालों में सर जो भी स्कॉलरशिप का रिजल्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट ये साल लगेगा, है ना. 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट ये साल लगाएगा उसको स्कॉलरशिप का रिजल्ट. इतने काम हमारे सब टीचरों ने महानगर पालिका ने किए हैं क्योंकि पिछले 5 सालों का रिजल्ट बहुत ही कम था, मगर ये साल और इससे आगे के साल हर साल रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये सब टीचर तहे दिल से मेहनत उसमें कर रहे हैं. तो फिर एक बार मैं प्रशासन की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. आप सब ने बहुत अच्छा काम किया. इंशाल्लाह आगे ही इसी तरह से काम आप सब करेंगे और प्रशासन आपके कोशिश भी जो भी आपके समस्या है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो प्रशासन के स्तर पर है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है. कार्यक्रमास पाहुणे म्हणून माजी पर्यवेक्षक रफीक खान, महबूब तांबोळी, मुख्याध्यापक भगवान मुंडे उपस्थित होते. प्रास्ताविक व कार्यक्रमाचे नियोजन परिवेक्षक मुमताज शेख, मुख्याध्यापिका नाजनीन कोरबू यांनी केले. शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शनात मनपा अंतर्गत 22 उर्दू शाळेने सहभाग घेतला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी फजल अहमद शेख, शफीक खान, शहबाज काझी, फरहद शेख आणि फय्याज शेख यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे आभार सादिक बागवान यांनी मानले. कार्यक्रमात शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचा लाभ कॅम्प बावरातील विद्यार्थ्यांनी घेतला.